हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं मोलरता। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, यानी कि मोलरता को क्यों पढ़ा जाता है। तो मोलरता विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी विलयन के अंदर कोई पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है या उसकी मात्रा कितनी है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रायः मोलरता का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक लीटर विलयन में विलेय के कितने मोलों की संख्या घुली हुई है, उसे बोलते हैं मोलरता। यानी कि एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं और ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो हम परिभाषा देख चुके हैं, अब देखते हैं इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, कैपिटल एम का प्रयोग करके। अब देखते हैं हमने क्या क्या देखा, इसकी आवश्यकता, फिर इसकी परिभाषा, फिर प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो आवश्यकता हम देख चुके हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए, परिभाषा देख चुके हैं एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं इसका सूत्र। तो सूत्र, हम इसको मोलरता को एम से डिनोट करते हैं तो हम एब लिख लेते हैं। तो ये हो गए विलेय के मोलों की संख्या। और बट्टे में आएगा विलयन लीटर में। तो इसका सूत्र क्या हो गया, जो हम इसमें विलेय यूज कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज में जो अधिक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। हम ये देख लेते हैं विलेय क्या होता है। कम मात्रा में जो घुला हुआ होता है, और विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में घुला हुआ होता है। और इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास प्राप्त होता है उसे बोलते हैं विलयन। अब इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि चीनी घुली हुई है पानी में। तो चीनी कम मात्रा में है इसलिए ये क्या हो गया, विलेय। और पानी अधिक मात्रा में है इसलिए ये अधिक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विलायक। तो हम यहाँ पे विलेय देख रहे हैं। विलेय क्या है, जैसे यहाँ पे चीनी का उदाहरण है, जो कम मात्रा में है वो है विलेय। तो इसके मोलों की संख्या आएगी, और जो विलयन होगा कुल उसके, उसको अगर लीटर में लिखेंगे तो वो बट्टे में चला जाएगा यहाँ पे सूत्र के अंदर। और फिर आगे देखते हैं कि जो मोलों की संख्या होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो विलेय हम यूज कर रहे हैं, तो विलेय का ग्राम में भार बटे इसका अणुभार। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, विलेय का ग्राम में भार और बटे में आएगा उसका अणुभार। तो अब इसका जो मोलरता का सूत्र है, अब ये जो मोलों की संख्या हमने यूज की है इसका ये जो सूत्र है, अब इसको इस सूत्र में रख देते हैं। तो जो मोलरता होगी, मोलरता क्या प्राप्त हो जाएगी, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं ग्राम में, इनटू मोलों की संख्या, तो यहां पे हो गई, और इसका अणुभार। और फिर जो बट्टे में ये विलयन का जो द्रव्यमान था लीटर के अंदर वो लिख देते हैं, तो इसमें विलयन आ जाएगा लीटर में। तो मोलरता का जो नया सूत्र हमारे पास प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार इनटू विलयन लीटर के अंदर। अब जो मोलरता का जो प्रदर्शन होता है वो विभिन्न प्रकार से करते हैं।
इसको हम m बटा 2 भी लिखते हैं, इसको हम m बटा 10 भी लिखते हैं, m बटा 100 भी लिखते हैं। तो m बटा जो 2 होता है उसको बोलते हैं सेमी मोलर। ये m तो हो गया मोलर और m बटा 2 हो गया सेमी मोलर, m बटा हो गया डेसी मोलर, और जो m बटा 100 है वो हो गया सेंटी मोलर। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोलरता के बारे में। तो मोलरता की आवश्यकता क्या है? विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए मोलरता का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलयन के अंदर घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र देखें तो सूत्र होगा एम बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन लीटर में। फिर जो मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं उसका सूत्र होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो अब ये जो मोलों की संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे मोलों की संख्या को इसमें रखते हैं सूत्र में, तो जो हो जाएगा विलेय का भार, यहाँ पे हम विलेय जोड़ देंगे, विलेय का भार ग्राम में बटे अणु भार इंटू जो ये विलयन था लीटर के अंदर, वो एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसका जो प्रदर्शन का तरीका है वो हम विभिन्न प्रकार से करते हैं, जैसे m, m बटा 2, m बटा 10 और m बटा 100। ये हो गया मोलर, ये हो गया सेमी मोलर, ये हो गया डेसी मोलर और ये हो गया सेंटी मोलर। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका सूत्र देख लिए, इसको विभिन्न प्रकार से जो प्रदर्शन के तरीके होते हैं वो देख लिए। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण हमारे पास है 4 ग्राम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, NaOH है वो कितना है 4 ग्राम, और 1 लीटर जो विलयन है हमारे पास वो है 1 लीटर। तो ये प्रश्न कह रहा है कि इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर या सॉल्यूशन लिखते हैं इस प्रकार से। इसका भार सूत्र क्या देखा था हमने, सूत्र देख लीजिए, m का सूत्र होता है विलेय का ग्राम में भार बटे इसका अणु भार इंटू विलयन का आयतन, ये हो गया लीटर में। तो विलेय का ग्राम में भार हमारे को दे रखा है 4 ग्राम, तो हम लिख देंगे 4। अणुभार इसका कितना होता है 40, NaOH का अणुभार कितना होगा 40, और विलयन का जो आयतन दे रखा है वो कितना है 1 लीटर, तो 1, तो ये जाएगा 4/40, तो ये हो जाएगा 1/10। इसको m बटा 10 लिख देंगे, यानी कि ये किस में आया डेसी के अंदर, डेसी मोलर। दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 12.6 ग्राम C2H2O2 डॉट 2H2O यानी कि क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल में 500 ग्राम जलीय विलयन की उपस्थिति है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलेय का ग्राम में भार कितना है, ग्राम। फिर जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है, पहले विलयन देख लीजिए, विलयन दे रखा है 500 ग्राम,
जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है उसका अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार होता है 126। इसका अणुभार 126 होता है। तो अब इसको सूत्र में रखेंगे, ये रहा हमारा पास सूत्र। तो सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 12.6 बटा 126 इंटू 500। अब इसको लीटर में बदलेंगे तो 500 बटा 1000 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 गुणा 100 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा, ये आ गया, ये 10 बार गया तो ये जाएगा 1/10। ये 2 भी है ना, 2/10, तो ये हो जाएगा 0.2 m, यानी कि 0.2 मोलर। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। मोलरता की परिभाषा, सूत्र सब सीख चुके हैं। और इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।